अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियालिश व्लॉग्स। और ये मेरे दिन का आगाज़ अज़लान से हुआ है, एज़ यूजुअल हमेशा इसी से ही होता है दिन का आगाज़, और दिन का एंड भी इसी से ही होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैंने इसमें आपको अपनी मतलब बताई है कि मैं अब काफ़ी दिनों से ना अपने पेरेंट्स के घर आई हुई थी, मतलब मायके आई हुई थी अपने, तो अब मैंने वापस जाना था। और क्योंकि मेरे पापा आए हुए थे दुबई से, तो दुबई का हॉल मैं आपके साथ अगले व्लॉग्स में शेयर करूँगी कि क्या क्या वो दुबई से लाए अज़लान के लिए हमारे लिए। और ये देखे कितना मैस क्रिएट हुआ हुआ है कि मैंने ये सामान सारा पैक करना था दोबारा वापस जाने के लिए अपने घर, तो ये बस सारा सामान मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। अज़लान को पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से इतना ये हैप्पी हो जाता है और अचानक से इतना रोने लग जाता है कि पता नहीं क्या हो जाना है इसको ना। तो बाकी पता नहीं, शायद सब बच्चे ऐसे करते हैं, ये ज़्यादा बच्चे ना ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं अज़लान के जैसे, तो जो ज़्यादा मतलब रो रो के दिखाते हैं। या आप सुने इसकी आवाज़ ही कैसे बोल रहे हैं। और ये देखें, मम्मा ने मेरी पसंद का खाना बनाया था क्योंकि मैंने अब वापस आ जाना था। आपको पता है सिर्फ माएँ ही हैं दुनिया में जो आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। और ये उन्होंने शाही टुकड़े और साथ कलेजी का सालन बनाया था। और ये आप देख रही हैं कि मैंने सारा सामान पैक कर लिया है जाने के लिए, और ये हम वापस जा रहे हैं। शावेज़ को बहुत आदत है अज़लान का हाथ पकड़ के ना गाड़ी ड्राइव करने की, बट फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा ना इसको कि ना ये करे ऐसे। और ये देखे कमरे में कितना मैस क्रिएट किया हुआ जाने, मतलब कि कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ कमरे में ना, पता नहीं कैसे इनको समझ आएगी हर चीज़ की। अज़लान ये देखें, अज़लान को बड़ा ही कोई शौक है ना कि मेरे पास पाँव तो बाती रहे मेरी माँ, और मैं लेट के आराम से खिदमतें इनसे करवाता रहूँ। चलें यही उम्र है इसकी। और उसके बाद रात को मैं और अज़लान बातें कर रहे थे, और बातें करते करते हमें पता ही नहीं लगा कि क्या टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।